हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो स्वागत है सभी का। तो गाइज, आज जो है हम रिव्यू करने वाले हैं और कंपैरिजन भी करने वाले हैं दो हेजार्ड फ्लैशर का। एक है थोड़ा ब्रांडेड और प्लग एंड प्ले, और दूसरा है लोकल कंपनी का है। तो दोनों का कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको कौन कौन सी कंपनी के हैं। सबसे पहले दिखाता हूँ, सिमटेक का है जो कि प्लग एंड प्ले है, और दूसरा है निस्ती करके। तो ये लोकल ब्रांड है और इसमें जो है खुले वायर हैं, तो इसकी वायरिंग अलग से करनी पड़ेगी। इसके 21 पैटर्न्स बताते हैं, इसके 16 पैटर्न्स बताते हैं। तो इन दोनों का कंपेयर अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार खोल के देख लेते हैं किस टाइप के जो है ये दिखते हैं। सो ये है निस्ती का, और ये कुछ इस टाइप का दिखता है जिसमें दो रिले हैं। पीछे की साइड में रिले दिख रही है। ये हो गए इसके पावर के वायर और ये हो गए इंडिकेटर्स के वायर। ये मैंने पहले भी यूज़ करा था, आपको याद हो तो, NS160 में। और ये वाला जो है सिमटेक का, जो कि मैंने पहली बार मंगवाया ये वाला। तो हालांकि प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के में, लेकिन देखते हैं वैसे कितना डिफरेंस है दोनों में। तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है, और इसमें सबसे बड़ी चीज़, सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि ये जो है प्लग एंड प्ले आता है, डायरेक्ट इसको प्लग करना है, यूज़ के लिए रेडी हो जाता है। इसके अलावा इसके साथ में आता है स्विच, कुछ इस टाइप का स्विच है जिसमें आपको अलग से एक छोटा स्विच आएगा पैटर्न चेंज करने के लिए, और ये इसका कनेक्टर है। स्विच उसके साथ में भी आता है, निस्ती के साथ में भी एक स्विच आता है जो कि कुछ इस टाइप का है, हालांकि वो जो अभी जो है बाइक में लगा दिया है। सो गाइस, बात करें इनके डिफरेंस की, तो सबसे पहला डिफरेंस तो है इनकी बिल्ड में, जैसे कि ये बने हुए हैं डिजाइन में। तो डिजाइन ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि इसमें अलग टाइप का रिले काम में लिया हुआ है और इसमें नॉर्मल रिले काम में लिया हुआ है जो कि आधा बाहर की तरफ निकला हुआ है। हालांकि दोनों वाटरप्रूफ हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये महंगा भी है। तो देखो, वैसे तो वर्क दोनों का एक ही है, काम दोनों का एक ही है, इंडिकेटर्स को फ्लैश करना अलग अलग टाइप से, लेकिन एक क्वालिटी का फ़र्क है थोड़ा सा। तो बात करूँ इनके प्राइस की, तो प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये करीब 350 रुपये का आपको मिलेगा ऑनलाइन, अमेज़ोन पर 350 रुपये का आपको मिलेगा, और ये ही अमेज़ोन पर आपको मिलेगा लगभग 1600 रुपये का। 1600 रुपये का आता है ये वाला। तो प्राइस में इतना डिफरेंस है कि आप ये चार यूज़ में ले लोगे, चार या पांच यूज़ में ले लोगे, और ये आपका सिंगल आएगा। इसकी 1 ईयर वारंटी आती है, इसकी आई थिंक 3 मंथ्स या 6 मंथ्स की वारंटी आती है। सो अब बात करेंगे इनके लगाने के ऊपर। तो लगाने में थोड़ा सा जो है इसमें मुश्किल भरा है, थोड़ा सा मशक्कत वाला काम है, और थोड़ा सा मतलब ये रहेगा कि अनसेफ सा है, क्योंकि इसके वायर जो है कहीं से कट करने पड़ेंगे, कहीं पर डालने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा अनसेफ रहता है। इसका जो है आपको डायरेक्ट प्लग करना है और ये रेडी हो जाते हैं। सो अब जो है हम इन दोनों को दोनों बाइक्स में इंस्टॉल करने वाले हैं। इसको तो सिमटेक वाले को जो है रेड वाली में, और निस्ती वाले को जो है अपन इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। तो उसके बाद में देखेंगे यूज़ में क्या डिफरेंस आता है, तो वो भी एक बार आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस, दोनों में अभी हेजार्ड फ्लैशर इंस्टॉल हो चुका है। NS160 में मैंने पहले करा था, NS200 में जो हम कर रहे थे वो नहीं हो पाए, और ये करीब 8 से 10 दिन के बाद का वीडियो है जो मैं इसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ इश्यू आ गया था बैटरी से रिलेटेड, तो वो नहीं हो पाया। तो इसमें मैंने इंस्टॉल करा है इधर इसमें हेड में, इसके हेडलाइट के इधर, और इसमें जो है मैंने इंस्टॉल करा है सीट के नीचे। तो इसका वीडियो आपने पहले भी देख लिया होगा। तो इसमें मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है यहाँ पे, तो इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस उसमें है। तो इसमें जो है वायरिंग करनी पड़ी है अलग से, और इसमें जो है प्लग एंड प्ले है। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में, कि ये प्लग एंड प्ले है और वो थोड़ा सा जो है उसमें वायरिंग करनी पड़ती है। बाकी दूसरी चीज़ बात करूँ तो इसमें जो है आपको
जब आप ऑपरेट करते हो कुछ, मतलब इंडिकेटर वगैरह या हैजार्ड को यूज़ करते हो, तो इसमें जो है थोड़ी सी आवाज़ आती है रिले की। इसमें रिले नहीं होने की वजह से इसमें जो है रिले की आवाज़ नहीं आती है। तो एक बार वो दिखा देता हूँ आपको। तो अभी इंडिकेटर देखिए जल रहे हैं और आवाज़ भी सुनना आप। तो ये जो टिक टिक आवाज़ है ये रिले से आती है, जबकि इसमें रिले नहीं हो ओके, इसमें सर्किट है साथ में, इसके अंदर ही सर्किट है आईसी के साथ में, तो इसमें आवाज़ नहीं आती है। तो ये भी एक बार जला के दिखा देता हूँ मैं। तो अभी इसमें जो है एलईडी नहीं लगी हुई है, बल्ब लगे हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से जो है मेरा पार्सल अटका हुआ है बहुत दिनों से, और उसमें जो है एलईडी लगी हुई है, तो दिखने में बहुत ही प्यारी लगती है। तो डिफरेंस आप देख सकते हो एलईडी और इसका दोनों का। तो एलईडी में जो है आपको अलग ही ब्राइटनेस दिखेगी, अलग ही मज़ा दिखेगा। इसमें ब्लिंक का इतना पता नहीं चलेगा, उससे पहले जो है ब्लिंक कर देगा। तो ये तो मैं चेंज कर लूँगा। अपन बात कर रहे थे इन दोनों के डिफरेंस की, तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये कि दोनों में आवाज़ नहीं आती, और उससे भी मेन सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वो 350 रुपये का है, ये 1600 रुपये का है। तो काम दोनों का एक ही है, थोड़ा सा चेंज है इंस्टॉलेशन में, थोड़ा सा क्वालिटी में। बाकी बात करूँ इनकी बिल्ड क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी दोनों की अच्छी है, इसकी और भी अच्छी है, क्योंकि थोड़ा कॉस्टली है तो शायद इसी वजह से अच्छी है, वो लोकल ब्रांड है। तो साल भर की गारंटी वारंटी उसकी भी आती है और इसकी भी साल भर की आती है। और उसके बाद में बात करूँ तो इसमें आपको एक वायरिंग का लफड़ा रहेगा, साथ ही जो है एक सबसे बड़ी खास चीज़ जो मैंने आपको एक वीडियो में बताई थी। अब जैसे अभी हैजार्ड फ्लैशर चल रहा है, तो मैं जैसे ही इंडिकेटर दूंगा तो वो कैंसिल हो जाएगा और ये जलना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि उसमें क्या होगा, इसमें आप जैसे ही मतलब ये चल रहा है, अगर ये चल रहा है और आप लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर देते हैं तो वो भी चलता रहेगा और इंडिकेटर चलेगा। तो इसमें इंडिकेटर ऑन हो जाता है, उसमें वही चलता रहता है। जैसे आप इंडिकेटर ऑफ़ करोगे तो इसमें वापस वही अपने उसी पोजिशन पर रहेगा। और एक और डिफरेंस है जो कि इसमें नोटिस कर सको तो आप, वो ये है कि जैसे मैं स्विच ऑन करूँगा, तो हल्का सा ब्लिंक करेगी, जिससे पता चल जाएगा कि इसमें हैजार्ड फ्लैशर लगा हुआ है। बस हल्का सा करती है, एक बार और दिखा देता हूँ, बिल्कुल हल्का सा करती है, एलईडी के बाद में ही इसमें दिखेगा। और एक यहाँ पे ये है ही, इसका छोटा सा एक स्विच है जिससे आप फ्लैशर को फ्लैशिंग जो स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हो, पैटर्न को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से जैसे मैं प्रेस करूँगा, उसमें पूरा स्विच ऑफ करके ऑन करना होता है। इसमें ये स्विच अलग से दिया हुआ है क्योंकि इसमें प्लग एंड प्ले है। तो यही कुछ था दोनों के बारे में, दोनों अच्छे हैं। अगर आपको बजट कम है तो बजट फ्रेंडली ये रहेगा, थोड़ी सी वायरिंग की उठापटक रहेगी, नहीं तो बजट फ्रेंडली ये है, 350 रुपये में काम हो जाएगा, इधर आप 1600 रुपये दोगे। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप ये ले लीजिए, 350 वाला निस्तिका है, और ये वाला अगर आप लेते हैं तो ये 1600 रुपये का पड़ेगा, तो इससे अच्छा आप ये ले लें। और बात करूँ इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर्स ये वाले एलईडी बल्ब जो है करीब 200-250 रुपये के हैं, और मैंने इसमें मंगवाए हैं कुछ अलग, तो वो आने के बाद में पता चलेगा आपको। तो जैसे लॉकडाउन हटता है अपना इंडिकेटर भी आ जाएगा। तो यही था गाइस इस वीडियो में, लाइक करके जाना अच्छा लगे तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।